करेगा दोस्तों, थोड़ा करेगा, कोई आपको समझा रहा है, कोई समझा रहा है, उसको टाइम नहीं लगेगा। हम तो दस देने के लिए बैठे हैं, क्या आप पॉसिबल होगा? तो वो है ना, कई बट इस पे डिपेंड करता है कि ये यूज करें, हम तो दे देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल एलजी श्री मनोज सिन्हा जी के निर्देश अनुसार, मैंने कल भी आपको बताया था कि जिला कठुआ में समाज कल्याण विभाग जो है वो एक सैचुरेशन लेवल अचीव करने की तरफ बढ़ रहा है। दिव्यांगजन, जो भी गरीब दिव्यांगजन है, जो उसको प्रोस्थेटिक एड की जो जिस चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट है, उस सिलसिले में पूरे जिला कठुआ में जगह जगह समाज कल्याण विभाग असेसमेंट कैंप्स कर रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 11 कैंप्स किए थे, और जो कुछ पंचायतें छूट गई थी या हमें कुछ और पंचायत एरिया से हमें रिक्वेस्ट आई कि यहाँ पे भी ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जाए, तो कल हमने लखनपुर में लगाया था, ब्लॉक इंडिया कंडियाल में, आज ब्लॉक बनोटी के पंचायत घर फ्लोट में है। तो जो ये जो असेसमेंट कैंप है, इसमें असेसमेंट की जा रही है, मेजरमेंट की जा रही है कि कौन से दिव्यांग जिनको आर्टिफिशियल लिंब लगेगा, किसको व्हीलचेयर मिलेगी, किसी को हेयरिंग एड मिलेगी। तो कल भी काफ़ी भारी संख्या में दिव्यांगजन आए थे, आज भी काफ़ी संख्या में उत्साह देखा जा रहा है, और काफ़ी खुश हैं दिव्यांगजन की सरकार की तरफ से उनको डिलीवरी या डोर स्टेप के तहत आज उनका गांव में आके ही उनके अंगों का सैचुरेशन लेवल अचीव करना है हमने दिव्यांगजनों के लिए। ये पूरी यूटी में चल रहा है, जिला कठुआ के जो 19 ब्लॉक हैं, 11 ब्लॉक्स हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कवर किए थे जो छूट गए थे, पिछले हफ्ते से हम वो भी कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने डिंगम, मांडली, डुगैन, लोहाई मलार, बगन, अपना धारमानपुर, किड़िया कंडियाल, आज बनोटी, और कल हमारा आखिरी कैंप है पंचायत घर चढ़वाल में। तो काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने जितने भी कैंप्स किए हैं, इसमें सैचुरेशन लेवल हमारा अचीव हो जाएगा दिव्यांगजनों का।